वो मेरा टेस्ट केस था कि अगली पिक्चर में मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो डायलॉग उस वक्त याद नहीं हुआ, आज याद है। वो डायलॉग था, सरदार सरदार दुश्मन टिड्डी दल की तरह गोलियां बरसाते हुए आ रहे हैं, इतना बोलना है, सरदार सरदार दुश्मन टिड्डी दल की तरह। 20 रिटेक हो गए। इनके फादर इतने महान, उनके सामने खड़े होने को हाथ कांपते थे। अरे याला काढ़ा ना कोणाने दुसऱ्याला बोलवा, हे काय इतकं वाट लावतो आमची, रात्रभर जागावं लागणार। अरे मैं बोला बॅकग्राऊंड कुछ नहीं, फ्यूचर भी जा रहा है, करूंगा क्या। पर किस्मत अच्छी थी तो स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया, गीत गाया पत्थर होने के लिए। तो राजेश खन्ना को पकड़ा, वो केसी कॉलेज की कैंटीन में बैठकर दिन भर रिहर्सल कराई। तो नेक्स्ट डे जब स्टूडियो में गए तो डायलॉग मिले, मैं तो अपना याद करके गया था। तो इनके फादर तो एकदम ठेठ उर्दू बोलते हैं ना, कणबा बाबा की कुटिया में रहते रहते मैं कह रहा था। मैं घबरा गया, अभी करूं क्या। और उस जमाने में राजश्री बहुत, इनकी बहन बहुत बड़ी हीरोइन, वो भी आ गई मेरे स्क्रीन टेस्ट के लिए, सामने खड़ी हो गई कैमरे के पीछे। अरे मैं बोला ये कहां से आ गई। तो वो ऐसे घबराहट में, अभी करूं क्या, डायलॉग ये हो गया वो गड़बड़ हो गई। अरे जूता निकाल, ऐसे शूज काढ़ा। मैं निकाले तो साला मोजा फटा हुआ। फिर वो कॉम्प्लेक्स में मर गया। फिर उसके बाद अभी खड़ा हूं, अभी देखिए कोई बात नहीं है। इनकी बहन आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन ए पापा पापा अपने फादर को बोल रही है, ए अच्छा नाकातले के इस बड़ी कर मोटे है ना। माझ्या नाकात मी कधी बघितलं नाही, तुम्ही तुम्हाला केस कुठून दिसले। तो ये मेरी शुरुआत। बट मैं जब तक जिंदा हूं इन इस फैमिली का, जो कुछ भी हो, मेरे को जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं, लेकिन जितेंद्र को जन्म देने वाले ये लोग हैं। मैं एक लो मिडिल क्लास का लड़का, राजश्री और ये इनकी छोटी बहन तेजू, तीनों मेरे घर पे मेरे फटे फूटे फ्लैट में आते थे और मैं इतना घबराता था, कहाँ आ गए। अरे चल पिक्चर बघायला जाऊ, पिक्चर बघायला जाऊ, और खिशात पैसे नहीं माझ्या। जय गौ माता, जय गौ माता। मुक्काम बिटले कालेवाड़ी तालुका महवल जिला सोलापुर, यहाँ पे राधे कृष्ण गौशाला, और मैं श्याम जी विठल पिराजी बाबर बोल रहा हूँ, अध्यक्ष बोल रहा हूँ गौशाला का। इस गौशाला के अंदर में काफी लंगी लिंदी आंधी भाकड़ काफी गौ माता गौशाला के अंदर है। चारा पानी की काफी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है गौशाला के अंदर। जो कोई माता बहनों से आपसे नम्र विनती है, इस गौ माता में थोड़ा सा सहयोग करे। इस कतलखाना में जो गौ माता जा रही है, वो भी गौ माता का बचाने के लिए हमारी टीम है, वो भी गौ माता का कार्य कर रही है। आपके सामने न्यूज पे बता रहे हैं, और इस गौ माता के आशीर्वाद से लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफ है गौशाला के अंदर। इतनी तकलीफ है कि पूछो मत। इतनी जो कुछ आपकी सेवा करना चाहते हो गौशाला के अंदर सहयोग करें, ये आपसे नम्र विनती है माता बहनों से। ये गौ माता का आशीर्वाद है।